खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर उधमपुर में दो बसों में धमाके हुए हैं। 8 घंटे के अंदर दो बसों में ये धमाके हुए हैं। एक बस में कल रात 10:45 पर धमाका हुआ और धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पेट्रोल पंप के पास ये बस खड़ी थी, जिसमें खुद कोई भी सवार नहीं था, खाली बस थी। बस के पास खड़े 2 लोग इस दौरान घायल हो गए। वहीं दूसरा धमाका आज सुबह 5:45 पर बस स्टैंड पर हुआ है। दोनों धमाकों में किसी के, आपको बता दें कि इस दूसरे धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। धमाके की वजह का पता लगाया जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो दो धमाके हुए हैं, एक के बाद एक। एक कल रात हुआ था खड़ी हुई बस में और एक आज सुबह धमाका हुआ है। क्या हमारे पास इस बारे में जानकारी है? कौन लोग थे? कैसे ये धमाका हुआ? कोई अपडेट हमें ऑफिशियल्स की तरफ से मिल रहे हैं? की जांच एजेंसियां जो है मौका जहां पे ब्लास्ट हुआ है वहां पे हैं और उस पूरी तरह कोशिश कर रही है ये पता करने की ये धमाका किस कारण हुआ है। क्योंकि दोनों धमाके देखिए, एक 11:30 कल रात होता है, दोमेल में बस खड़ी थी वहां पे धमाका होता है, और दूसरा धमाका अभी सुबह उधमपुर बस स्टैंड में होता है। दोनों बसें खड़ी थी, लगता है कि कोई कैजुअल्टी करने की कोशिश कर रहा था धमाका, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि इस बार भी स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो धमाका करने में, जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज पे भी देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका था। अगर इस बस के अंदर कोई शख्स बैठे होते या आसपास कुछ लोग खड़े होते तो काफी नुकसान हो सकता था। और ये धमाका उस समय हो रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। इनका 2 दिन का दौरा है, 4 और 5 तारीख को वो यहाँ पे आएंगे। 4 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं जो कि राजौरी में होगी, और दूसरी रैली बारामूला में होगी। तो एक बार फिर से आतंकवादी अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दूसरा दौरा होगा अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमित शाह का, और खासकर ये बारामूला और राजौरी के इलाके में, क्योंकि जहां पे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को वो एड्रेस करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, मुस्लिम गुर्जर बकरवाल, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग निग्लेक्टेड रहे हैं। तो इनके लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए पूरी कोशिश जो सरकार की रहेगी। और उससे पहले अब आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई हैं। हमने देखा कि कैसे नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया उन्होंने कश्मीर में, और एक बार यहाँ भी आप अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पूरी तरह से जो फॉरेंसिक की टीम है उन्होंने वहां से जो है मटेरियल को इकट्ठा किया, और वो कोशिश करेंगी कि ये क्या एक्सप्लोजिव मटेरियल था। ये पहली बार नहीं हुआ उधमपुर में जहाँ धमाका हुआ। हमने देखा है कि पिछले दिनों एक लश्कर तोयबा के कमांडर खुबैब का नाम लगातार आ रहा था। उसकी पूरी कोशिश चल रही है कि वो अपने मॉड्यूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे धमाके करे, एक बार फिर से जम्मू को दहलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अपने मंसूबे में वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जिस तरीके की वो कैजुअल्टी करने की कोशिश थी वो अभी तक हो नहीं पाया है। अभी इन्वेस्टिगेशन, इस पर मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है, इस पे पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आतंकवादी किसी संगठन का ही हाथ दिख रहा है, जिस तरीके की धमाका है, जिस तरीके की कोशिश की गई है, और इस पे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से जांच कर रही है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दो बसों में एक के बाद एक धमाका हुआ है। एक रात में होता है और एक सुबह के वक्त।